फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू बबीताज ब्लॉग। और मैं हूँ बबीता। कैसे हैं आप सब, प्लीज कमेंट में शेयर करना। मैंने लास्ट डे एक वीडियो बनाया और आज ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। और आज क्या है कि आज जो हम लोग यहाँ जो चावासा में जो रूम जो रेंट पे लिए थे, इसको हम लोग खाली कर रहे हैं और खाली करके हम लोग गाँव शिफ्ट हो रहे हैं। सो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ सूजी का उपमा। तो चलिए बनाते हैं सूजी का उपमा। और रूम खाली करने के लिए मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी आ रहे हैं और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो भी आ रहे हैं। तो वो दोनों भी आ जाएंगे तो उनके लिए भी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, क्योंकि वो लोग सुबह सुबह ही घर से निकल गए हैं। फिर हम लोग सबको ही खाली करके रूम जो है हम सब गाँव चल जाएंगे। मेरे मम्मी पापा जो है वो लोग भी अपने घर चल जाएंगे और हम लोग अपने घर चल जाएंगे। तो उनके लिए भी ये भी बनाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट। चलिए बनाते हैं सुबह सुबह सूजी का उपमा। ये आ गई मैं किचन में। किचन में आने के बाद मैं जो है वो कढ़ाई गरम कर चुकी हूँ। कढ़ाई गरम हो गया, उसके बाद मैंने उसमें रिफाइन ऑयल डाला है। रिफाइन ऑयल डालने के बाद जब वो गरम हो गया, उसके बाद मैंने तड़के के लिए प्याज, करी पत्ता और थोड़ा सा चना दाल, इसमें आप उड़द दाल भी मिला सकते हो, दो हरी मिर्च भी मिला सकते हो, पर मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाली और मिर्च मैं बाबू के चलते नहीं डालती हूँ। इसको अच्छे से सॉटे करने के बाद जो उसमें मैं जो भी आप वेजेस मिला सकते हो, मेरे पास सिर्फ गाजर है तो मैं गाजर डाल देंगी इसमें। गाजर को मैंने पहले से ही उसको कद्दूकस करके रख लिया है साइड पे। इसको सॉटे होने के बाद उसको मैं डाल दूंगी। और यहाँ पर मैं नीचे देख रही थी खिड़की से कि मेरे ब्रदर इन लोग वो आ गए हैं, और वो यहाँ पर गाजर डाल दी मैंने और इसको थोड़ा सा हल्के से भूंज लूँगी। भूंजने के बाद ये देखिए ये आ गए, ये है मेरे ब्रदर इन लॉ। और गाजर को मैं अच्छे से यहाँ पर भून लूँगी। भुनने के बाद जो है इसमें मैं डाल देती हूँ सूजी, क्योंकि मैं सबके लिए बना रही हूँ इसीलिए एक पैकेट आधा जो बचा हुआ था वो भी मैं इसमें मिला ले रही हूँ। मिलाने के बाद सूजी जो है उसको अच्छे से भून लेना है। भुनने के बाद इसमें गर्म पानी डालना। वो क्लिप जो है मेरे से मिस हो गया है, मिस नहीं हुआ एक्चुअली मेरा फ़ोन डेड हो गया था इसलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सूजी को अच्छे से भुनने के बाद इसमें गर्म पानी डाल के इसको अच्छे से पका लेना है। और यहाँ पर देखिए हमारा जो रूम है वो खाली हो चुका है पूरा। जो सामान मुझे घर लाना है वही सामान वहाँ बचा हुआ है। किचन का थोड़ा बहुत सामान है जो हम लोग लंच करने के बाद खाली करेंगे। और यहाँ पर देखिए सब खाली हो चुका है। तो मिहिर को मैं नीचे चटाई में बेडशीट बिछा के उसको सुलाई हूँ, क्योंकि वो सो गया। सारा घर खाली हो चुका है जितना। यहाँ पर देखिए मिहिर वो केला खा रहा था, पापा इधर लंच कर रहे हैं। हमारा पूरा सामान लंच करने के बाद हम लोग पूरा खाली कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए एक्चुअली हमने खिड़की के सब बंद कर दिया था, पूरा किचन खाली है। ये मैं आपको रूम दिखा रही हूँ, पूरा रूम भी हम लोगों का खाली हो चुका है। यहाँ पर जितना सामान बचा जो हमें घर लेके आना था वो मम्मी भर रही हैं अपने थैलों में। और यहाँ पर देखिए पापा, दोनों पापा मेरे, एक मेरे फादर इन लॉ एक मेरे पापा। हेलो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड चेंज, क्योंकि मैं अब चावासा से हो चुकी हूँ विदा। मैं आ गई हूँ अपने ससुराल पे और अब बना रही हूँ मैं रात में डिनर। तो डिनर में मेरा बन रहा है आलू और भिंडी का भुजिया और बनाऊंगी रोटी। चलिए बनाते हैं। Thank you.
सो मैंने रोटी कंप्लीट कर लिया बना के, और अब मैं ढालूंगी चावल। चावल मेरा रेडी हो चुका है, इसका मैं माल निकाल लेती हूँ। ये लास्ट पर मैंने चावल ठंडा होने के लिए रखा है। अगर आप लोगों को आज का ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें। मेरे चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों को मेरे वीडियोज कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।